दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने WhatsApp पर अपना लास्ट सीन कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे लास्ट सीन छुपा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना WhatsApp ओपन कर लेना है। जब आप WhatsApp को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको कॉर्नर पर ऊपर 3 डॉट दिखेंगे, उन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स पेमेंट के जस्ट नीचे, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको जो WhatsApp की सारी सेटिंग्स हैं वो निकल के यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आपको चले जाना है प्राइवेसी वाले सेक्शन पर, जो अकाउंट और नीचे मतलब सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर हु कैन सी माई पर्सनल इन्फो, तो इसके जस्ट नीचे लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है। लास्ट सीन हेड हेड से मतलब नहीं है, इसकी जितनी भी सारी सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मेरा है एवरीवन और नीचे वाला भी एवरीवन पर है, तो अभी मेरा जो लास्ट सीन है उसको हर कोई देख सकता है, मतलब चाहे उसके में मेरे मोबाइल नंबर ऐड हैं या फिर नहीं, सब कोई देख सकता है। अगर आप इसको करते हो माई कॉन्टैक्ट, तो आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है ना वही सिर्फ आपका लास्ट सीन और जो ऑनलाइन हो या फिर नहीं, ये सब आप वो देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप इनके अलावा चाहते हैं कि कोई ऐसा एक मेंबर है कि मुझे सिर्फ एक आदमी देख सकता है कि वो मैं ऑनलाइन हूँ या फिर नहीं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिर्फ वही देख पाएगा कि आप ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। अब हम बात कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन हैं या फिर ऑफलाइन, तो हमें किसी को नहीं दिखाना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नोबडी पे ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके साथ साथ नीचे आपको सेम एस लास्ट सीन, तो इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से वापस आ जाना है। आप देखोगे कि आपका जो लास्ट सीन है या फिर आप ऑनलाइन हो तो ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो ऐसी यूजफुल टिप्स ट्रिक्स होती है मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू।